हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, मैं विवेक, स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास इन एब्सेंस ऑफ राहुल सर मुझे लेने का मौका मिला है। इससे पहले मैं आरआरबी जेई सीबीडी 2 का क्लास बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पे करवाया था। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए तो सिंपली आपको studyindiaadda.com वेबसाइट पे विजिट करना है, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। वहां से जाकर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस UPSC UP SSJEE का क्लासेज चल रही है, साथ साथ बिहार दरोगा का भी क्लासेज राहुल सर द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। प्रत्येक क्लास आपको करना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, साइंस का, केमिस्ट्री का ये 24वां लेक्चर है। दोस्तों, ये लेक्चर डेली 8 PM आपको मिलेगा। 50 MCQ देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लेक्चर UP SSJEE का 24वां लेक्चर है दोस्तों, और साइंस केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर होगा, केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जितनी वीडियो इस चैनल पे अपलोड है आप तक नोटिफिकेशन जा सके। और वीडियो को एक लाइक कर दें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंबल ऑफ लीड। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लीड का चिन्ह है। दोस्तों, आप इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी पीबी। पीबी जो है वो लीड को रिप्रेजेंट करता है, और Na का मतलब सोडियम होता है दोस्तों, K का मतलब पोटेशियम, और Au गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको सब पता होना चाहिए, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है लीड का, तो लीड का सिंबल क्या होगा, पीबी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका, और जो लाइव देख रहे हैं वीडियो वो फटाफट कमेंट करते हुए चले, ताकि आपको भी क्वेश्चन याद रहे। तो हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सिलिकन क्या है, सिलिकन क्या है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है। सिलिकन मेटल है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सिलिकन एक तरह का मेटलॉइड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकन एक तरह का मेटलॉइड है, और नोबल गैस तो आपको याद करने का एक ट्रिक में बताया था, हे ना अगर के जीरो रन से आप नोबल गैस को याद रख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, हे ना अगर कर जीरो रन, है ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो है ये नोबल गैस है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। नोबेल गैस को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं दोस्तों, 18 ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसेरियस ट्यूमर्स द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन। एक तरह का ट्यूमर होता है दोस्तों, जो कैंसेरियस, कैंसर सेल ट्यूमर होता है, तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का यूज होता है, आपसे पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं, तो इसे याद कर ले। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए कोवाल्ट 60। कोवाल्ट 60 जो है वो एक तरह का रेडियो आइसोटोप है, जो कैंसेरियस ट्यूमर्स को ट्रीट करने में यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये मेडिकल साइंस में बहुत डिटेल में इसको पढ़ना होता है, कैंसेरियस सेल, कैंसेरियस ट्यूमर जो होता है, ब्रेन ट्यूमर्स होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कैंसेरियस ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए जी, कोवाल्ट 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखें, क्वेश्चन है द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ सी वाटर विंग ब्लू। आपसे पूछा जा रहा है, समुद्र जल के नीले रंग का होने का क्या कारण है, मेन कारण क्या है, जो सी वाटर होता है वो ब्लू क्यों दिखता है, किस कारण से दिखता है, आपको ये बताना है। सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर। क्या होता है दोस्तों, लाइट की स्कैटरिंग के कारण। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाय इंप्यूरिटीज इन द सी वाटर। बिल्कुल नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट बाय द वाटर ये भी नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सी वाटर ये भी नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण तो ऑब्जेक्ट वगैरह वो जो है उसका साइज
डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, लेकिन इसका करेक्टनेस की बात करें, कलर का अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा जाए कि कलर ऑफ सी वाटर इज बीइंग ब्लू, समुद्र जल का कलर क्यों नीला दिखता है, तो ये याद होना चाहिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना है, इसी के कारण समुद्र जल का जो कलर है वो नीला दिखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हाई प्यूरिटी मेटल कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग, किसके प्रयोग के जरिए धातु का उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है हाई प्यूरिटी मेटल, जो हाई प्यूरिटी मेटल होता है सबसे शुद्ध मेटल कौन सा प्रोसेस से ऑब्टेंड होता है, आपको प्रोसेस याद रखना है जी। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से जो मेटल ऑब्टेंड होता है ना वो बहुत ही प्यूरिटी रहता है, हाईली प्यूरिटी मेटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें, यहां तक क्लियर है सभी को, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ नॉट अ सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन बन जाता है जी, कि कौन सा इसमें जो सोर्स है वो मीथेन इमिशन का सोर्स नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए, मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स जो है एक तरह का मीथेन इमिशन का सोर्स नहीं है दोस्तों, बाकी लीव स्टॉक जो पशुधन होता है, पैडी फील्ड, शुगर कैन फील्ड, ये सभी से आपको मीथेन गैस ऑब्टेंड होंगे। मीथेन यानी CH4, है ना, अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, आपको पता होना चाहिए मीथेन जो है वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, और अल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि पूछ सकता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+, सॉरी CnH2n+2 होता है जी, यहाँ पे तो सही से लिखा नहीं रहा है, CnH2n+2। और एल्कीन का क्या होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होता है भाई, तो एल्कीन होता है CnH2n, है ना, CnH2n एल्कीन होता है और एल्केन होता है CnH2n+2। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई मीथेन इमिशन का कौन सोर्स नहीं है, तो ये मोटर व्हीकल जो है भाई वो मीथेन इमिशन, मोटर व्हीकल से मीथेन नहीं निकलता है, बाकी लाइव स्टॉक, पैडी फील्ड, सुअर कैन, जितना नेचुरल चीज है वो लगभग सबसे मीथेन इमिशन होते ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई इज इन द रेंज, क्या बात है, आपसे पूछा जा रहा है और याद भी होना चाहिए, जो वाटर पब्लिक के लिए सप्लाई, पब्लिकली वाटर सप्लाई किया जाता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है जी, आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी लोग इसका फटाफट आंसर करें। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो जो पीएच वैल्यू पब्लिकली सप्लाई के लिए किया जाता है उसका रेंज होता है जी 6.5 to 8.5, यानी ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए 6.5 से 8.5 होता है, और शुद्ध पानी का जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना जी, शुद्ध पानी उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 के करीब, 7 माना जाता है ना, और आपको पता होना चाहिए जो 7 से कम है, जिसका पीएच 7 से कम है वो थोड़ा एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा वो बेस होगा। एक स्केल तो आप पढ़े होंगे 0 से 14 वाला जो स्केल होती है, 7 से 0 की ओर मूव ऑन करेंगे तो एसिडिटी करेक्टर आपको बढ़ेगा, और 7 से 14 की ओर मूव ऑन करेंगे तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, बेसिसिटी बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है सभी को, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई इज इन द रेंज ऑफ, तो याद होना चाहिए 6.5 to 8.5 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोविंग इज अ सॉलिड, हाँ निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें मैं भी तो आयोडो फॉर्म, अच्छा क्लोरोफॉर्म, तो अच्छा आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म एक तरह का सॉलिड है भाई, आयोडो फॉर्म जो है एक तरह का सॉलिड है, और आपको पता होना चाहिए इसका जो आयोडो फॉर्म का जनरली जो कलर होता है वो येलो इस कलर का होता है, ठीक है, येलो इस कलर का होता है आयोडो फॉर्म, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आयोडो फॉर्म होगा, याद रखिएगा। ऑफ द फ्लोविंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रखा है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका है वो बताएं, तो फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर की बात करें रेडियो वेव्स, ऑप्शन के अकॉर्डिंग रेडियो वेव्स सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है, और
और आप मैं सबका जो ऑप्शन में दे रखा है, मैं सबका आपको वेवलेंथ बता दे रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर लीजिएगा कि किसका सबसे कम होगा। तो भाई ध्यान दीजिएगा, अल्ट्रा वायलेट जो है, अल्ट्रा वायलेट यानी पैरा वैंगनी किरण का, इसका मीटर में अगर हम लोग बात करें ना, तो 10^-8 मीटर से, मीटर में मैं बात कर रहा हूँ, मीटर से लेके टू लगभग 4 × 10^7 भी बोल सकते हैं, लेकिन जो बुक का डाटा होता है जी, वो 3 × 9 × 10^-7 सॉरी हाँ -7 होता है, ठीक है। और गामा रेज की मैं बात करूं, गामा रेज तो गामा किरणों की जो होती है दोस्तों, वो 10^-14 मीटर में मैं बात कर रहा हूं, है ना, से लेके 10^-10 तक होती है, क्लियर। और रेडियो वेव की 7.8, जो ये डाटा जो बुक का डाटा है ना, रेफरेंस एनसीईआरटी बुक का डाटा है, वही मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी सॉरी रेडियो वेव की ना, रेडियो वेव की तो मैं गलत बता रहा हूं यार, यहां पे ध्यान दीजिएगा, रेडियो वेव की जो होती है वो 10^-1 से लेके 10^4 तक होती है ना, 10^4 तक होती है मीटर में। और इंफ्राड रे जो है, अवरक्त तरंग, इसका जो होती है दोस्तों, ये 7.8 से लेके 7.8 × 10^-7 से लेके ये होती है आपको 10^-9। तो कुल मिलाकर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो याद रखिएगा रेडियो वेव सबसे ज्यादा लंबा होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन द फ्लोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, और इन्वायरमेंट अगर सिलेबस में है तो इन्वायरमेंट से भी ये क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, सुपर फॉस्फेट्स ऑफ लाइम, और सॉरी आपसे पूछा जा रहा है भाई नोट है ना, अमोनियम सल्फेट, साइनामाइड है ना, कैल्शियम साइनामाइड और यूरिया, ये सब जो है वो तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, लेकिन सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में आपको बता दूं, यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया नाइट्रेट, अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट है ना, और एक पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये सब जो है ना, ये सब जो है नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और पूछा जा रहा है, और तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन और का क्वेश्चन प्रत्येक लगभग जो इतने एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। कैलामाइन इज एन ओर ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है कैलामाइन किसका यस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, कैलामाइन जो है दोस्तों वो जिंक का ओर है, ठीक है, और टीन जो है वो कैसेटेराइट, हाँ टीन का होता है, टीन एस एन लीड, और मैग्नीशियम का मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन के अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट होता है, और कैरनोलाइट होता है, एप्सम साल्ट भी होते हैं, और एक होते हैं किजोराइट होता है। आपको एप्सम साल्ट और मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कैरनोलाइट याद रखिएगा, मैग्नीशियम का ओर है। और जिंक का मैं बता दूं तो जिंक ब्लेंड हुआ बहुत कॉमन है भाई, कैलेमाइन भी बहुत कॉमन है और जिंकाइट भी बहुत कॉमन है, तीनों नहीं याद रखिएगा, कॉपर का क्यूपीराइट हो गया, एजुराइट हो गया, कैल्को पाइराइट भी एक होता है, कैल्को पाइराइट भी होता है, और एक मैलाकाइट होता है, ठीक है याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लैनेट इज टर्मरिक अ कॉमनली यूज कलरेंट और एंटीसेप्टिक ऑब्टेंट। टर्मरिक यानी हल्दी दोस्तों, सॉरी प्लैनेट में बोल रहा हूँ, प्लांट से पूछ रहा है ना, कौन सा प्लांट से टर्मरिक यूज सॉरी निकलता है, सॉरी प्लांट का कौन सा पार्ट से निकलता है आपसे पूछा जाए, जो हल्दी है वो प्लांट का कौन सा पार्ट से निकलता है,
ये आपसे पूछा जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए जो हल्दी होती है वो कलरेंट करने के लिए यूज होती है, जैसे सब्जी में डालते हैं तो देखते होंगे उसका कलर पीला चेंज हो जाए, स्वाद भी बढ़ जाती है, एंटीसेप्टिक है। आपको पता होना चाहिए पहले के जमाना में जो वैद्य लोग होते थे ना, वो टर्मरिक को यूज करते थे एज अ एंटीसेप्टिक, मतलब कहीं कट छट जाता है था तो वहां पे टर्मरिक का पाउडर उन लोग बना के रखते थे, उसे लगाते थे अच्छे तरीका से, एज एंटीसेप्टिक यूज होता था पहले के जमाना में। तो भाई आपसे पूछा जा रहा है टर्मरिक कौन सा पार्ट से ऑब्टेंड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, ये दोस्तों एक तरह का स्टेम तना से टर्मरिक ऑब्टेंड होता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो जड़ से है, जैसे गाजर हो गया, जड़ का हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, बीट जो होते हैं ना सलाद जिसका बनाकर हम लोग खाते हैं, रेड कलर का होता है, और स्टेम से हल्दी, अदरक, जिंजर जिसे इंग्लिश बोला जाता है, ओनियन हो गया, ये सब दोस्तों तना से ऑब्टेंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है, जी आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का क्रेडिट सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जे थॉमसन को जाता है, जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था, और प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एक करेंट कंडक्टर से फ्लो करता है तो क्या डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये दोस्तों जनरली मुझे तो लग रहा है ये प्रॉपर क्वेश्चन बोला जाए तो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, फिजिक्स पार्ट का, लेकिन एक केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक पढ़ना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे भी करंट के जिक्र किया गया है, तो मुझे लग रहा है वहीं से ये क्वेश्चन केमिस्ट्री पार्ट में डाला गया है। देखिए V इज इक्वल टू I, यार सबको पता होगा, बहुत ही इजी एंड ओम्स लॉ है, सबको पता होगा ये चीज। तो यहां से देख ले, करंट I होता है, R रेजिस्टेंस होता है, V पोटेंशियल होता है। आपसे पूछा जा रहा है करंट कंडक्टर में किसके प्रोपोर्शनल होता है जी, तो करंट कंडक्टर में किसके प्रोपोर्शनल होगा, I किसके प्रोपोर्शनल होगा, I तो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर यहां तक, चलिए ये तो सभी को पता होगा। व्हेन एन आयरन नेल गेट रस्टेड द वेट ऑफ नेल, आपसे पूछा जा रहा है जब लोहे की कील को जंग लगाया जाए तो कील का वजन क्या हो जाती है जी, जब आयरन नेल में रस्ट लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है, वजन पे क्या प्रभाव होगा। तो इसका बात करें तो वजन पे क्या प्रभाव होगा, सही सी बात है, उसका वजन बढ़ जाएगा, पहले से ज्यादा वजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया। क्वेश्चन तो आपसे देखिए क्वेश्चन घुमा रहा है, क्वेश्चन बस यही है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया, ये छोड़ दीजिए, ये तो आपको न्यूट्रॉन का बताया है कि न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है एटम में, कहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है ये चीज बताया है। तो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में अभी कुछ देर पहले बताया, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। चलिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बन पाता तो क्या कहते हैं। जल में देखिए, जल जो है, जल बहुत तरह का होता है, एक वारी जल होता हैवी वाटर होता है, सॉल्टी वाटर होता है, स्वीट वाटर होता है, बहुत तरह का वाटर होता है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा वाटर है जिसमें साबुन लगाने पे झाग नहीं बन पाता है, वो वाटर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ये सभी को पता होगा ऐसे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन खरा, वारी, हार्ड वाटर होता है इसका ऐसे, तो ऑप्शन ए इज राइट, हार्ड वाटर यानी खारा जल, ठीक है ना। हार्ड वाटर में अगर अगर आप साबुन लगाते हैं तो आपको अच्छे से झाग नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रशांतक औषधि क्या होती है, तो प्रशांतक औषधि का प्रयोग मानसिक तनाव कम करने हेतु किया जाता है दोस्तों, जो टेंशन होता है, मेंटली टेंशन होता है उसको कम करने के लिए
प्रशांतक औषधि का यूज किया जाता है। तो इसमें जो मेनली समांतर रूप से यूज किया जाता है बेलियम नाम का औषधि, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेलियम। और ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में किया जाता है ना। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे भी ग्लाइकोलेशन रिएक्शन पढ़ना है, वहां पे कैसे वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक श्रीन विद्युतीय तत्व कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। श्रीन विद्युतीय तत्व पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए फ्लोरीन। जब मैं जेई का क्लास ले रहा था तो ये सब टॉपिक अलग से करवाया था, बहुत अच्छे तरीके से वहां पे टॉपिक करवाया था। जो फ्लोरीन होता है दोस्तों, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मामले में सबसे ज्यादा फ्लोरीन ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रिक अम्ल किसका धातु पर बेअसर होता है, सॉरी आपसे पूछा जा रहा है। नाइट्रिक अम्ल कौन सी धातु पे उसका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी सोना। सोना पे अगर नाइट्रिक अम्ल आप डाल दें तो आपको कोई असर नहीं देखेगा, सोना सोना ही रह जाएगा। नाइट्रिक अम्ल सब ये मतलब हो जाएंगे, मतलब कोई किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा जब नाइट्रिक एसिड को सोना पे आप डालिएगा, ठीक है। और दूसरी बार नाइट्रिक अम्ल जो निकेल हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब पे मतलब क्रिया करता है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगेन दुर्घटना से क्या अधिक तापीस पैदा करता है। अगेन दुर्घटना से क्या अधिक तापीस पैदा करता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी पॉलीमर। पॉलीमर जो है वो दोस्तों जब आग के पास ले जाइएगा तो वो बहुत जल्दी से उसमें आग लगता है, समझे। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे अगीन विरोधी कपड़ा जैसे नोमेक्स अथवा पीबीआई जो होता है, पॉली बेंजीमिडाजोल फाइबर है ना, पीबीआई, और हेलमेट का प्रयोग जब करेंगे आग के समय तो वहां पे कुछ सेफ्टी होता है। ये सब कपड़ा में आग बहुत कम मतलब धीरे धीरे लगने का चांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव ऑन करते हैं, यहां तक क्लियर होगा सभी को है ना। कब अगेन ज्वलनशील नहीं हो पाता, आपसे पूछा जा रहा है। अगेन ज्वलनशील कब नहीं हो पाता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसे याद रखिएगा माय फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पे अगेन जो अग्नि होती है, फायर होता है, वो ज्वलनशील नहीं होगा। जब हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होना चाहिए, ये डाटा आपको याद होना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, दो नोबेल पुरस्कार एक ही विषय में पाने वाला कौन है, कौन साइंटिस्ट है, कौन प्रोफेसर है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी जॉन वर्डीन। क्या जॉन वर्डीन एक अमेरिका के भाई फिजिस्ट थे, ठीक है ना, वॉट की वैज्ञानिक तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। फिजिस्ट होते हुए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी थे। उनको वॉट की विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष ध्यान दीजिएगा जी, 1900 जब कभी पूछ लिया जाता है, 1956 और तथा वर्ष 1972, 1972 दो टाइम नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक भौतिकी और दूसरा रसायन शास्त्र में क्षेत्र मिला था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, कि देखिए ये ऑप्शन में तो आपको 2 मिल रहे हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार लेने वाला 2 साइंटिस्ट हैं, जॉन वर्डिन और मैडम क्यूरी। लेकिन माय फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जॉन वर्डिन को दोनों चीज एक ही सब्जेक्ट के लिए मिला था, फिजिस्ट के लिए है ना, और मैडम क्यूरी को एक बार केमिस्ट्री के लिए मिला था और एक बार फिजिस्ट के लिए मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन वर्डिन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने विभिन्न विषयों में दो नोबेल पुरस्कार? आ गया, देखिए वही क्वेश्चन भाई, मैडम क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन अलग अलग विषय में मिला है, और एक में केमिस्ट्री और एक फिजिस्ट में मिला था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 के। क्लियर है ना यहाँ तक? अभी तो मैं इसे समझा रहा था। चलिए जी हाँ, और डेट आप याद रखिएगा, एक बार इन्हें 1903 में मिला था और 1911 में, 1903 एंड 1911 में, 1903 में इनको मिला था फिजिक्स के लिए, है ना, और 1911 में इनको मिला था केमिस्ट्री के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डेट याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से बहुत ही पूछा जाता है, और डेट भी कहीं कहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा यार, जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर का आपको केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है जी, कौन केमिकल रिएक्शन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए केमिकल रिएक्शन में आपको बता दूं, केमिकल रिएक्शन पे मैं एक अलग से क्लास करवाया था जेई का क्लास के समय, लेकिन आपको वो चीज पता होना चाहिए, आप कहीं भी पढ़ रखे होंगे। तो केमिकल रिएक्शन देखने के लिए टीचर सिखाते हैं कि दोनों रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए जी, रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में उतने एटम, दोनों एटम बैलेंस होना चाहिए, तभी एक केमिकल रिएक्शन सही माना जाएगा। केमिकल रिएक्शन तभी हम सही बोलेंगे जब दोनों साइड एटम बैलेंस होगा। तो सबसे पहले तो बैलेंस एटम देख लें, लेकिन बैलेंस तो देख रहे हैं सभी में लगभग बैलेंस ही दिया हुआ है। तो आप अब रिएक्शन देखें, क्या रिएक्शन होती है, तो आपको पता होना चाहिए H2+O2 रिएक्ट करके H2O को फॉर्मेशन होता है जी। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2H2, 2, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 मोल ऑक्सीजन हो गया, ये साइड भी प्रोडक्ट साइड भी 4 हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन, ये रिएक्टेंट होता है जी और ये प्रोडक्ट होता है। दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन? सबसे पहली बात, अल्कोहल तो नहीं होगा। किस लिए नहीं होगा सर? क्योंकि OH ग्रुप नहीं है, OH प्रेजेंट होता तो अल्कोहल होता, OH नहीं ना प्रेजेंट है तो अल्कोहल तो नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है, C2H6 इसे डिजाइन कीजिए, CnH2n, CnH2n किसका होता है? ये होता है जी, सॉरी अल्कीन का होता है, अल्कीन का होता है CnH2n। और इसका क्या, अल्केन का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला में बोल रहा हूँ, CnH2n+2, और अल्काइन का CnH2n-2। अब इस पे अरेंज कर लीजिए ना, देखिए यहाँ इस पे पुट कीजिए CnH2n, यहाँ पे देखिए C2, अगर C2 लेते हैं, N2 लेते हैं, तो N के यहाँ पे 2 वैल्यू लिखेंगे, तो 2 2 4 + 2 6, C2H6 यही तो है जी, तो अल्केन होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इसे याद रखिएगा, जो मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला से अक्सर ये सब फॉर्मूला बनते हैं, जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और साथ में ये भी याद होना चाहिए, ईथ मीथ प्रोप ब्यूट पेंटेन हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन, देखिए याद होना चाहिए। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अल्केन का स्ट्रक्चर आपको बता दें, तो स्ट्रक्चर ऐसे पूछा नहीं जाता स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर ये अल्केन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में, यहाँ पे हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, क्या कहलाता है जी? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब कोई वस्तु सॉलिड ठोस वस्तु, अच्छा ठीक, अपनी ठोस अवस्था, वस्तु भी ठोस है अवस्था भी सॉलिड है, और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड, तो इसे क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गलनांक। इसे क्या कहते हैं जी? गलनांक कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, गलनांक में ताप यानी कोई निश्चित टेम्परेचर होती है, जो दोस्तों एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक फिक्स तापमान होता है, जिस पे हर एक वस्तु के लिए अलग अलग टेम्परेचर होती है, तो उस ताप पे
जब उतना हीट दीजिएगा ना वो ऑब्जेक्ट को, तो वो गल के द्रव यानी द्रव से लिक्विड में आ जाएगी, सॉरी ठोस से द्रव में आ जाएगी, यानी सॉलिड से लिक्विड, अपना फेज को चेंज करेगा, अपना जो उसका फिजिकल जो फेज है उसे चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, इसे गलनांक कहते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? जी गोबर गैस होती है, उसमें कौन सी गैस होती है मुख्यतः? तो भाई गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन होती है, आपको पता होना चाहिए, ऐसे और होता है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है मुख्यतः सबसे ज्यादा क्या होता है, तो मीथेन होता है। मीथेन आपको 75% मिलेगा भाई गोबर गैस। चले यहां तक क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। न्यूक्लियर बम बनवाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जी जो न्यूक्लियर बम होता है ना उसमें किसका प्रयोग, मिलनी रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता होगा, यूरेनियम को यूज किया जाता है, और यूरेनियम में यू 235 आइसोटोप को यूज किया जाता है। दूसरी बात आपको यह भी पता होना चाहिए, जो न्यूक्लियर बम है वो सर्वप्रथम सबसे पहले 1954 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1954, 1954 में बनाया गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वारिफ पानी का खोज किसने की थी? हैवी वाटर का खोज किसने किया था? आपसे हैवी वाटर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, और हैवी वाटर का खोज किसने किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हैवी वाटर का खोज यूरे के द्वारा किया गया था जी, ठीक है। और इन्होंने 1962 में, सॉरी 1931 में यूरे ने भारी जल का खोज की थी, 1962 नहीं 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वारी मशीन में किसका लुब्रिकेंट के स्वरूप में प्रयोग किया जाता है? जो वारी मशीन होता है उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए एडिशनल चीज यूज करते हैं, उसे लुब्रिकेंट कहते हैं, है ना? तो क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए ग्रेफाइट। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो भी ग्रेफाइट होता है, उसमें भी ग्रेफाइट से एक चीज और जान लीजिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, और ये जनरली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं ग्रेफाइट। तो वारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है? ग्रेफाइट को जनरली ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा? ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होती है? कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी, कॉम्पटन जनरली एक्सरे किरण एक्सरेज के लिए यूज होता है, कॉम्पटन प्रभाव कॉम्पटन इफेक्ट होता है, ये जनरली निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो एक्सरेज जो होती है ना इसमें आपको कॉम्पटन इफेक्ट देखने को मिलेगा। सॉरी यार यहां से उठ के, हाँ अब सही है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सी सही, याद रखिएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है जी, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का ये आपको पता होना चाहिए, डिस्कवरर पूछ लिया जाता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछ लेते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास, जो अभी द्रव्यमान क्वेश्चन पूछा रहा है, सब पता होना चाहिए आपको। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इज राइट, 1.6726 × 10⁻²⁴ ग्राम आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था ना, और इलेक्ट्रॉन का थॉमसन के द्वारा 1919 में प्रोटॉन का खोज कर लिया गया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर चैडविक्स, जेम्स चैडविक्स के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जी, और ये खोज 1932 में किए थे। चैडविक कब किए थे? 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है तथा लुब्रिकेंट है, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो मैं बताया वहीं पे तो क्लियर कर दिया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मिल गया। देख सकते हैं किस टाइप से UP SSSC जो एग्जाम होती है, किस तरह से क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। वहां पे ग्रेफाइट पूछ लिए थे, लुब्रिकेंट पूछा था, है ना? तो लुब्रिकेंट मशीन में यूज होता है ग्रेफाइट, वहां पे मैं बताया था, इससे भी
निकाल सकते हैं। दूसरे मैं ये भी जिक्र किया था भाई कि विद्युत का भी कंडक्टर होता है, उष्म का भी कंडक्टर होता है, कार्बन का वो ग्रेफाइट ही है। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें मेटल बताएं, वैसा मेटल जो ठंडे पानी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है जी, लेकिन वही गर्म पानी है उसके साथ रिएक्शन करता है। क्वेश्चन तो अच्छा है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम धातु ऐसा है जो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा उसकी सतह पर अल्मोनियम ऑक्साइड की पतली परत जम जाती है। अल्मोनियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन इसलिए नहीं करता है जी, क्योंकि अल्मोनियम ऑक्साइड, उसकी जो सतह होती है उसमें अल्मोनियम ऑक्साइड का एक पतला लेयर बन जाता है, लेकिन गर्म में वो, गर्म पानी जो होती है हॉट वाटर, उसमें वो अभिक्रिया है, प्रतिक्रिया अपना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी गैस चूना पानी का दुधिया बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जो है वो पानी को दुधिया, मिल्की वाटर, आप नाम सुने होंगे, मिल्की वाटर से भी बहुत ये रिएक्शन फेमस है जी, बहुत बार ये रिएक्शन मैं करवाया था, मिल्की वाटर दुधिया बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस चूना पानी को दुधिया बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन बहुत पूछा जाता है। CaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ठीक है, ये मिल के CaSO3 का होल टू, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें पानी मिला दीजिएगा तो आपको कैल्शियम बाइकार्बोनेट को फॉर्मेशन होता है। बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? एंटी फ्रीज के रूप में कौन सा चीज को यूज करते हैं दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, मिथाइल अल्कोहल जो है वो एक तरह का कैसा है, एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है मिथाइल अल्कोहल को। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CH3 OH, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल मिश्रण है, पीतल जो है वो किसका किसका मिश्रण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो सब क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं वो लगभग पूछते रहते हैं, एक ही ट्रेंड जो बना हुआ है ना क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, याद रखिएगा। पीतल मिश्रण किसका है? पीतल जो है दोस्तों वो जिंक और तांबा, यानी जिंक और कॉपर का मिक्सचर है, यानी ऑप्शन डी इज राइट फॉर, सॉरी हाँ ऑप्शन डी इज राइट फॉर, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट होगा, जिंक यानी जस्ता और कॉपर यानी तांबा, इसका मिक्सचर है पीतल। किस गैस का सॉरी किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी गैस है जिसका जो स्मेल आता है जी वो सरे हुए अंडे की तरह आता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी H2S। याद रखिएगा H2S जो है गैस जो है उसका गंध सरे हुए अंडे की जैसा आता है। इसका रिएक्शन मैं आपको बता दूं तो रिएक्शन यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आप याद रखिएगा हाइड्रोजन जो सल्फाइड होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड उसका एक तरह का, हाँ दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा, H2S मैं बताना ही भूल गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी H2S जो होती है दोस्तों भी एक कलरलेस है, कलरलेस गैस है, कलरलेस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, रंगहीन गैस है, कलरलेस गैस है। साथ में इसका जो स्मेल होता है वो रोटेन एग, एकदम सड़ा हुआ अंडे की जैसा स्मेल होता है। क्लियर है यहां तक? किस तत्व की परमाणु संख्या 31 होती है? आपसे पूछा जा रहा है एटॉमिक नंबर कौन सा तत्व का 31 होता है,
तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी गैलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 31 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता नापी जाती है, रेडियोधर्मिता धर्मिता नापी जाती है, किस चीज को नापता है जी? 154 का रेडियो एक्टिविटी है ना, इसका करेक्ट आंसर की बात करें गीगर मूल काउंटर के द्वारा नापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा नापी जाती है? तो ये गीगर मूल मूलर काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिविटी नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके प्रवाह के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट की पास होती है जी? आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन जनरली केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक से क्वेश्चन लिया जाता है कि आपसे पूछा जा रहा है किसके प्रवाह किसके फ्लो के कारण इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, सबको पता होना चाहिए। गाइज इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे, है ना। ऑप्शन में बहुत अच्छे से बहुत ही मतलब हाई लेवल का ऑप्शन दे रखा है। एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, धनात्मक और ऋणात्मक आयन भी है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र भी है, प्रोटॉन है। सबसे पहले ये दोनों काट दीजिए, और ए और ई दो ऑप्शन बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन जनरली हायर स्केल पे इसका स्टडी करें तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों धनात्मक और ऋणात्मक आयंस, जो आयंस होते हैं ना, आयंस के कारण फ्लो होता है। ऑप्शन बी इज राइट। ऐसे ये नहीं रहता तो फ्री इलेक्ट्रॉन लगा सकते थे, लेकिन जब धनात्मक और ऋणात्मक आयन है तो इसमें आपको यही लगा कराना है। ठीक है, और आपको एक चीज पता होना चाहिए, करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? क्या है जी? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन मैं आपको समझाता हूँ। रिएक्शन अच्छे से समझिए, एक बार रिएक्शन दिमाग में बैठा लिए, कभी भी पूछ ले, बना कर आना तो है। BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये किसके साथ रिएक्शन करता है? H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो वही डिस्प्लेस कर जाता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, BaSO4 प्लस HCl बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए भाई, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 मोल। अब रिएक्शन लगभग बैलेंस है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये रिएक्शन याद रखना, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो क्या दिखता है, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक है, एक तरह का सफेद अवक्षेप बनता है जो BaSO4 है। व्हाइट प्रिसिपिटेशन के नाम से आप सुने होंगे, क्या होती है व्हाइट, उसी को सफेद अवक्षेप कहा जा रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी प्रिस्टेली, प्रिस्टली, हाँ जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। ये क्वेश्चन बायोलॉजी में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पे भी इसका जिक्र किया गया है। जोसेफ प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, किस तरह से ऑक्सीजन को उन्होंने खोज किया था। ओरिजिनली दोस्तों वो रैट को यूज किए थे, रैट और कैंडल वगैरह यूज करके वहां पे ऑक्सीजन को खोज किए थे, एक कंटेनर में बंद कर दिए थे रैट को। ये कहानी है, हायर स्केल में पढ़ना होता है, लेकिन आपको पूछा जा रहा क्वेश्चन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ध्यान दीजिएगा जोसेफ प्रिस्टली साहब द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था। ऑक्सीजन एक तरह का रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंग लगने पे लोहे के भार, यार ये तो अभी मैं बताया, जंग लगने पे लोहे के भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ये चीज याद रखिएगा जी, फेरिक ऑक्साइड F2O3 लोहे को नम बाई मोस्ट एयर में रखने पे भूरे रंग का परत जमा हो जाता है, जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है ना, और यह भूरे रंग का परत फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है?
फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है आपसे पूछा जा रहा है जी, शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी फ्रुक्टोज। जनरली जो शहद हनी होता है उसमें फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा होता है, आपको पता होना चाहिए फ्रुक्टोज जो होता है वो 41% फ्रुक्टोज का मात्रा 41% होता है, जल का 18% होता है जी, और ग्लूकोज, ये डाटा बुक बताती है, ग्लूकोज का 34% होता है। ठीक है, थैंक यू। कमेंट में जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टडी इन अड्डा, आपको टेलीग्राम में जाकर सर्च करना है, वहां पे सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे भी आपको इस लेक्चर का नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और स्टडी इंडिया अड्डा डॉट कॉम पे विजिट करें, वहां पे जॉब नोटिफिकेशन साथ साथ रेगुलर आपको विजिट करना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है तो उसका पल पल का नोटिफिकेशन उस पर अपलोड कर दिया जाता है हमारे टीम के द्वारा, और डेली क्लासेस का PDF भी वहां पे अपलोड होते हैं। सो दोस्तों जरूर से जरूर विजिट करें वेबसाइट को, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल एकमात्र है जो भी क्वेश्चन करवाती है दोस्तों वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन करवाया जाता है, आप फीडबैक रिव्यू जाकर देख सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो सेशन चलते हैं सेशन इंड होने के बाद प्रैक्टिस सेट चलते हैं लाइव प्रैक्टिस सेट, जिसका बेनिफिट आपको हो सके, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।